नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में बताइए, कैसे हम मिल मिला, शॉप 101, ग्लो रोड, वूपलर वगैरह के प्रोडक्ट को हम इंस्टाग्राम पर सेल कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, मतलब इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखने वाले हैं और इंस्टाग्राम मार्केटिंग ज़रूरी भी क्यों है उसकी भी बात करने वाले हैं। तो जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए और इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ी इसकी डिटेल बता देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी क्यों है। यहाँ पर इसके डाउनलोड 1 बिलियन से ज़्यादा हैं, तो आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इसे यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कस्टमर बेस यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है। और अगर रिव्यू की बात करें तो 4.5 की रेटिंग मिली हुई है बहुत ही, और 79 मिलियन लोगों ने इसमें रिव्यू लिखे हुए हैं। एक अच्छा एप्लीकेशन है और पुराना एप्लीकेशन है, 2012 में ये रिलीज हुआ था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इतनी बड़ी जनता को कवर करेंगे और उनको अपने प्रोडक्ट को रीसेल करने की कोशिश करेंगे। अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जो बगल में घंटी सी दिख रही है उसको दबा दें। और सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन, जो टॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन है, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 101 जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो मेरा रेफर कोड डाल सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफर कोड दिया है और आपको ये स्क्रीन पर चलता हुआ भी दिख रहा है। रेफर कोड डालते ही आपको 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी डालिए और इस चीज़ का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठाइए। ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद धीमे धीमे आपको चीज़ें समझाता जाऊँगा, और अगर मेरे को लगता है कि मेरे को पार्ट टू इसका बनाना चाहिए तो मैं पार्ट टू भी इसका ले आऊँगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी वगैरह से यहाँ पे साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपको होम पेज, ये प्रोफाइल पेज दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि कितनी आपने पोस्ट की हैं, कितने फॉलोवर वगैरह हैं आपके। तो आपको यहाँ पर जब आप इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाओ तो अपने बिजनेस के नाम से बनाइए, जैसे कि आपने मीशो, ग्लो रोड, वूपलर वगैरह में, या 101 या मिल मिला में जो नाम दिया है उस नाम से बनाइए, जैसे फैशन क्लब, सेलर क्लब, जिससे लोगों को पता चल सके पहले ही कि आपका जो इंस्टाग्राम पर ये बना हुआ है ये किस लिए है, क्यों आपने अपना अकाउंट बनाया है, इस पर उन्हें किन किस चीज़ से रिलेटेड जानकारी मिलेंगी। अगर आप फैशन क्लब नाम रखते हो या सेलर क्लब, तो अपने आप समझ जाएंगे कि फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे। उसके बाद आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में पूरा मेंशन कर देना है कि हाँ भाई, हमारा इस चीज़ से रिलेटेड पूरा है सिस्टम। और उसके बाद आपको एक काम करना है, इन 3 डॉट पे ओके करना है। 3 डॉट पे ओके करके, अभी तो देखो मेरा अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट है, लेकिन आपको भी यहाँ पर बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन दिखेगा। जब आप सेटिंग में जाओगे तो बिजनेस लिखा आएगा, तो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट में आपको कन्वर्ट करना है अपने नॉर्मल अकाउंट को, ठीक है। तो आपका इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लो तो ये हो गया। अब आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए। फॉलोअर्स का मतलब होता है बहुत सारे लोग आपको फॉलो करें, तभी तो आपके पास बहुत बड़ा एक नेटवर्क खड़ा होगा और उस नेटवर्क का फ़ायदा आप अपनी रीसेलिंग में ले सकते हो, उन लोगों को वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई नेटवर्क कैसे बनेगा इतना बड़ा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे पोस्ट डालनी है और कैसे फिर आपको अपना खुद का नेटवर्क बढ़ाना है। तो मैं चलता हूँ मिल मिला, ओपन करता हूँ। तो इसको मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिनकी आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं पहले सूज डाल देता हूँ, फिर उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट डालूँगा। देखो सूज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, तो ये वाले मैं डाल देता हूँ, 549 के हैं, एकदम लुक अच्छा आ रहा है। डाउनलोड कर लेता हूँ 3-4 फ़ोटो को इकट्ठे, तो मैं सभी फ़ोटो को डाउनलोड कर रहा हूँ। ऐसे किसका किसका के आपको सभी डाउनलोड कर लेने हैं, थोड़ा टाइम लगता है डाउनलोडिंग में, पर कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे आपको मैं समझाने वाला हूँ कि देखो भाई पोस्ट कैसे करना है, और प्लस आप पोस्ट भी कर रहे हो तो उसके बाद आप कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर पा सकते हो। तो इस प्लस के आइकन पे आपको ओके करना है जो नीचे होता है। उसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, गैलरी में आपके फ़ोटो आ जाएंगे जो भी फ़ोटो आपने लिए हैं। तो मैं दोबारा से ओके करता हूँ और मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, और मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो आप, दो या दो से अधिक, तो मैं ये दोनों ले लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे ओके करता हूँ तो देखो ये दोनों फ़ोटो हमारे आगे एकदम तगड़ा लुक दिख रहा है आपको। और उसके बाद आप चाहो तो कलर वगैरह इनके चेंज कर सकते हो, पर मैं फ़िल्टर यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी इतने अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे ओके करूँगा। अब नेक्स्ट पे ओके करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट अ कैप्शन। कैप्शन में आप इसके बारे में डाल सकते हो कि ये सोच है और ख़रीद सकते हैं, वो जो भी आप डिटेल देना चाहो वो दे सकते हो। तो जैसे मैंने डाल दिया बिग ऑफर ऑन सूज, और यहाँ पे आपको हैशटैग और डालनी है। आप सोच रहे होंगे कि हैशटैग क्या होता है, तो हैशटैग का मतलब होता है किसी भी जैसे कुछ भी आप लिख रहे हो उसके सामने हैशटैग लगाने का मतलब है आप उस चीज़ से उसे लिंक कर रहे हो। जैसे कि मैं आगरा को कवर कर रहा हूँ तो हैशटैग आगरा, मतलब आगरा से मैं इसे लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही कोई और हैशटैग डालता हूँ। और अगर आपको हैशटैग नहीं मिल रहे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद न्यू टैब ओपन कर लीजिए और न्यू टैब में डालिए कीवर्ड टूल आईओ, ठीक है, ये कीवर्ड टूल आईओ, और सर्च कर लीजिए उसी को। उसको सर्च करने के बाद ये आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर यूट्यूब लिखा है ना, इस पर ओके करिए। यूट्यूब के बाद आपको जाना इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम को चूज कर लेना है। और देखो हमने सूज डाले हैं तो यहाँ पे हम डालते हैं सूज, और उसके बाद सर्च पे ओके कर देना है। सर्च पे ओके करने के बाद ये हमारा सर्च हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें भी, इसको हटा दीजिए जो ये खुल के आया है, ये कट का निशान आपको दिख रहा है ऊपर। तो ये हैशटैग में आ गए सभी की सभी चीज़ें। आपको क्या करना है, इसको सभी को सेलेक्ट कर लेना है, या कुछ सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे जाके इन सभी हैशटैग को अपने इंस्टाग्राम में जहाँ पे भी आप पोस्ट कर रहे हो वो आप पोस्ट कर सकते हो। जैसे ये मैंने इतने सारे हैशटैग यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, तो आप भी डाल सकते हो, बहुत सारे हैशटैग डाल दिए मैंने। और देखो इन हैशटैग को पे ओके करके हम शेयर कर देंगे। अब ये हमारी पोस्ट है ना, हाँ शेयर हो गई, देखो ये सूच दिखने लगे लोगों को। अब जितने भी लोग हमारे मतलब कभी सर्च भी करेंगे तो भी हैशटैग की वजह से सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्लस अगर आपको इससे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, देखो लुक वाइज बहुत अच्छा है, तो प्रमोट का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, तो प्रमोट पे ओके करेंगे। ये प्रमोट का ऑप्शन इस पेज पर दिखेगा, नॉर्मल पे नहीं दिखेगा। तो आप बिजनेस पेज अपना बना लीजिए, मतलब अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए, पेज वगैरह कुछ नहीं बनाना। तो यहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जो भी प्रमोशन करना चाह रहे हो वो अपनी प्रोफाइल का करना चाह रहे हो, या व्हाट्स अपनी वेबसाइट का करना चाह रहे हो, या डायरेक्ट मैसेज का, या जो कोई आपका मैसेज है उसका। तो आप चाहो तो प्रोफाइल का कर सकते हो, जिससे लोग आपकी प्रोफाइल पे आएं और आपसे बात करें और आपसे प्रोडक्ट खरीदें, जो भी आप रीसेलिंग के प्रोडक्ट बेच रहे हो। उसके बाद आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे टारगेट करनी है कौन सी ऑडियंस। ऑडियंस का नाम देना है, जैसे कि वूमेन करनी है तो वूमेन। लोकेशन, कौन सी लोकेशन के आपको कवर करनी है, जैसे आगरा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको जो जो चाहिए वो आप सेलेक्ट करके लगाते चलिए, ठीक है। तो और अभी हमें देना है कि मेंस चाहिए और वुमेंस चाहिए, तो हमें चाहिए मेंस, तो अपने हिसाब से देख लीजिए कितनी एज ग्रुप के बीच के चाहिए। हमें चाहिए 45 और 14 से ज़्यादा के, 45 से कम के, ठीक है। ये सब कुछ ऊपर बताता जा रहा है कि इतने लोग इनके पास हैं, मतलब 11 लाख के समथिंग लोग हैं। उसके बाद ओके पे करिए, ऊपर ओके का आ रहा है। तो इसके बाद कुछ और आपको सेलेक्ट करनी है, मेंस वुमेंस,
आप अगर क्रिएट कुछ और चीज़ ऑडियंस नेम वगैरह कुछ देना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फिलहाल में इन्हें नहीं देना चाहता। उसके बाद आपको बजट चूज करना है कि आप बजट कितना रखना चाह रहे हो और कितने दिन के लिए इस कैंपेन को चलाना चाह रहे हो। जैसे कि बजट 200 रुपये पर डे का चलाना चाह रहे हो वो, और फिर कितने दिन का, जैसे कि आप 5 दिन का चलाना चाह रहे हो, दो दिन का चलाना चाह रहे हो, मतलब 400 रुपये आप खर्च करना चाह रहे हो इस पे, या इससे कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 40 रुपये कर सकते हो, 50 रुपये कर सकते हो। और इतने लोग देखो, अगर आप 80 रुपये डेली खर्च करते हो तो आपको 1100 से लेकर 2900 लोगों तक आपकी ये पोस्ट दिखाई जाएगी। उसमें से कुछ लोग भी खरीद लेते हैं, मान के चलो अगर ये पोस्ट दिखाई गई 1500 लोगों को, एक मैं कल करके दिखा देता हूँ, मान के चलो ये पोस्ट दिखाई गई आपकी 1500 लोगों तक, इसमें से 1% लोग भी आपके प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं, और प्रोडक्ट पे आपका मार्जिन रहता है चलो मान लो कि 60 रुपये, तो 900 रुपये का प्रॉफिट आपका हो जाएगा, आपका खर्चा हो रहा है 80 रुपये का, तो 900 रुपये तो फ़ायदे के आ ही रहे हैं आपके पास। तो इस तरह से आप ज़्यादा भी सेल कर सकते हो, ये बहुत ही आसान तरीका है, 100 रुपये खर्च करके 800 रुपये आप बचा सकते हो। नेक्स्ट पे ओके करेंगे, नेक्स्ट पे ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल वगैरह देनी है, और यहाँ पर आपको बैलेंस ऐड करना है, ऐड बैलेंस पे ओके करके आपको पैसे ऐड करने हैं और पेड एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। प्रीव्यू देखने के लिए आप इस पे ओके कर सकते हो, तो जैसे कि प्रीव्यू आप देखोगे तो इस टाइप का लोगों को ये दिखेगा, तो इस टाइप का दिखेगा, ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा तो इस टाइप का आपको दिखेगा, दूसरे लोगों को ऐसा दिखेगा, तो आप वो लोग क्या करेंगे, व्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आपकी पे ओके करेंगे, तो आपकी वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे और आपसे बात कर लेंगे, और आपसे बात करने के बाद इस सामान को ख़रीद भी लेंगे। 1% चांस तो रहेंगे कि इतने सारे लोग देखेंगे तो 1% लोग तो ख़रीद ही लेंगे। तो दोस्तों बस ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी कि इंस्टाग्राम से कैसे सेलिंग की जा सकती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए।